वेलकम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फरहान कम्युनिकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, फरहान कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीजीपे की ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रोग्राम हैज परफॉर्मेड एन इनलीगल ऑपरेशन एंड विल बी शट डाउन। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सके। पास में बेल का आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि आप जब भी विड्रॉल करने जा रहे हैं या डिपॉजिट करने जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं डीजीपे में, तो आपको जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, दिस प्रोग्राम हैज परफॉर्मेड एंड इनलीगल ऑपरेशन एंड विल बी शट डाउन। तो ये प्रॉब्लम होने के टाइम पे जब यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा तो आपका जो है डीजीपे सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर से जब आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो एक ही प्रॉब्लम आपको शो होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो करना है वो एक चीज करना है, आपका जो फिंगरप्रिंट है, इस फिंगरप्रिंट को ठीक से जो है डिवाइस में आपको लगाना है और फिर से उसको बहुत ही स्मूथली उसको कैप्चर करना है। अगर स्मूथली कैप्चर नहीं होता है तो आपका जो है यही एरर आएगा। अगर आप ठीक तरह से उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो ही ये एरर आता है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये प्रॉब्लम कुछ करने से ठीक हो जाएगा। बहुत सारा वीडियो हम देखे हैं यूट्यूब में, लेकिन ये वहाँ पे जो दिखाया गया है वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से वो जो सॉल्यूशन दिखाया गया है उस सॉल्यूशन करके जो है आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आरडी सर्विस एक्टिवेट होने के बाद से जब ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है इस कारण कि पहले क्या होता था, पहले आधार को UIDAI वेरिफिकेशन करके जो है ट्रांजेक्शन करने की परमिशन देता था, लेकिन अभी क्या होता है कि आरडी सर्विस पहले जाता है आरडी सर्विस के पास, उसके बाद जाता है आपका जो UIDAI के पास, वहाँ से जो है आपको ट्रांजेक्शन करने की परमिशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर कैप्चर ठीक ठाक से नहीं होता है तो आरडी सर्विस क्या करता है, यहाँ से इसको फिर से रिटर्न कर देता है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप जस्ट आपका फिंगर जो है, फिंगर को ठीक से लगाइए और काम कीजिए। मैं अभी आपको एक प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम डिटेल्स को भर दिया और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर देंगे। जब भी हम स्कैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंगूठा देने के बाद यहाँ पे जो है अंगूठा रीड कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है, बैलेंस हमको दिखा दिया और ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों हम आपको स्कैन करके, बैलेंस चेक करके, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करके दिखा दिया। आप लोग जो है काम करके देखिए, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ये सिर्फ अंगूठा डालने का प्रोसेस होता है। अंगूठे को ठीक ठाक से अगर रीड नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो दोस्तों आशा रखते हैं मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सके। पास में बेल का आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।